शिवराज सिंह चौहान के बाद अब पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। खास बात यह है कि मिश्रा ने शायराने अंदाज में सरकार पर निशाना साधा है। मिश्रा ने बयान देते हुए कहा है कि मुझे तो लगता है कि भगवान ही सरकार चला रहे हैं। प्रदेश की कमलनाथ सरकार में पड़ी फूट का फायदा प्रमुख विपक्षी दल भाजपा उठा रही है। गौरतलब है कि इन दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरकार में वन मंत्री उमंग सिंघार के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। इतना ही नहीं, वन मंत्री सिंघार ने दिग्गी की शिकायत दिल्ली दरबार में अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी कर दी है। कांग्रेस की इस फूटाहेड़ी का भाजपा द्वारा पूरा लाभ उठाया जा रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति इस समय मध्य प्रदेश की बनी हुई है। मंत्री कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से कोई और चला रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं चला रहा हूं, कह नहीं पा रहे पर कह रहे हैं कि मैं चला रहा हूं। सुपर सीएम पत्र लिख के हिसाब किताब मांग रहे हैं, और मेरा मानना ये है कि ये सरकार को तो भगवान ही चला रहा है, कोई धनी धोरू नहीं है। मुझे किसी कवि की वो पंक्तियां याद आती हैं, हास्य व्यंग का कोई कवि था, नए नए मंत्री ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी हम चलाएंगे, ड्राइवर ने कहा कि हम उतर जाएंगे, चलाकर तो देखिए हुजूर तबीयत हिल जाएगी, ये गाड़ी है सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। कमोवेश वैसी स्थिति आज मध्य प्रदेश की हास्य की बनी हुई है। विधायक मंत्री पर, मंत्री विधायकों पर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं कि रेत माफिया प्रदेश पर राज कर रहे हैं, और विधायक कह देते हैं कि मंत्री जी का संरक्षण रेत माफियाओं को, कोई पूर्व मुख्यमंत्री का कह देता है। ऐसी नजर और ऐसी ढुलमुल और ऐसी सरकार जो कि जन समस्याओं पर ध्यान दे ही नहीं रही है, सिर्फ इस तरह की बातों में उलझा के रखना चाहती है।